पहुंची भगवान राम के पास और जाते जाते पहला क्वेश्चन कहा, प्रभु एक बात बताइए, खेती सूख जाए और उसके बाद खूब बारिश हो, कोई मतलब है क्या? भगवान ने कहा नहीं। कहा अगर हमारे प्राण निकल जाते, हम मर जाते और उसके बाद आप धनुष तोड़ते तो कोई मतलब था क्या? किससे विवाह करते? भगवान ने कहा भाई हम धनुष तोड़ने थोड़ी आए थे, हम तो देखने आए थे, जब आदेश मिला तो हम तोड़ने गए। मैया ने कहा कि आदेश मिल भी गया तो कौन कहे आप जल्दी से आ गए, यहाँ क्षण बिताना मुश्किल हुआ था और आप धीरे धीरे प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रणाम भी कर लिए, हाथी जैसी चाल चल रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा वो भी ठीक है, पांच बार परिक्रमा करने की क्या जरूरत थी, दो ही बार कर लेते नहीं चलता? भगवान राम मुस्कुरा रहे। मैया ने कहा आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया और अब हम माला पहनाने में विलंब करेंगे। जिसको जिसको विवाह के समय माला पड़ी होगी वो अभी सब खूब खुश रहे हो रहे होंगे, अपना विवाह याद आ रहा होगा सबको। उस समय तो दूल्हा ही हीरो होता है, सब फोटो लेने चक्कर में रहते हैं। तो आप लोग भी कुछ देर के लिए अपने दिनों को याद कर सकते हैं। वैसे मेरे राम जी दूल्हा बन के खड़े हैं, श्री जानकी मैया वरमाला लेके खड़ी हैं, सखियों को लगा कि जानकी छोटी पड़ जा रही हैं और राम जी बड़े पड़ जा रहे हैं। इसलिए सखियों ने राम जी से निवेदन किया, कहा प्रभु थोड़े झुक जाइए आप। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकिएगा नहीं, आज झुक गए तो जीवन भर ये झुकाएंगे आपको, झुकना नहीं है। भगवान राम तो सीधे साधे सरल सहज मौन खड़े हैं। एक सखी ने कहा ये जब तक छोटा वाला रहेगा बड़ा ढीठ है ये, इसको हटाना पड़ेगा। सखी उन लक्ष्मण जी से कहा भाई साहब आप थोड़ा दूर जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम क्यों दूर जाए? कहा क्यों? कहा बचपन से लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमें भैया से दूर कर दे, आज कैसे होंगे? सखियों ने कहा ये बताइए विवाह आपका है कि आपके भैया का है? कहा नहीं भाई साहब का है। तो भाई साहब के विवाह में आपका क्या काम है? जब जरूरत लगी बुलाया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से जाएं? सरकार ने कहा भाई अब ससुराल है कुछ कह नहीं सकते, जाओ आगे बढ़ो। लक्ष्मण जी चले गए, कहा बाद में फिर कोई गलती होगी फिर ना कहना। लक्ष्मण जी जाके किनारे जैसे खड़े हुए, सखियों ने भगवान को गाली देना शुरू किया। और जब गाली देना शुरू किया भगवान से कहती प्रभु अब झुक जाइए आप, लेकिन लक्ष्मण जी जहां खड़े हैं वहीं से दूर से ही खड़े होके अपना काम करते हैं। जैसे सखियां कहती प्रभु झुक जाइए तो लक्ष्मण जी इशारा करते,